इस वीडियो में हम जानेंगे बीपी और ईसीजी के बारे में। इलेक्ट्रो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मतलब कि उसमें हम हार्ट बीट चेक करते हैं, वो उसके क्या करते हैं मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, जो हमारे हृदय होता है उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा, जिसमें हम 12 लीड्स का प्रयोग करते हैं और शरीर के अलग अलग भागों के लगाते हैं और उससे हम उसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। किसकी ग्राफ? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ बनाते हैं कि हार्ट में कैसी बीटिंग हो रही है। ठीक है, ये होती है हमारी ईसीजी की जाँच। जैसे कि देखिए, अगर क्या होता है ना कि इंफीरियर वेन कावा से या सुपीरियर वेना कावा से क्या होता है कि जब ब्लड पूरे शरीर से हार्ट में आता है, तो जब हार्ट में आता है और चैम्बर से होते हुए हार्ट से बाहर जाता है, तो जो ये बीच की जो प्रोसेस होती है उसमें एक ग्राफ बनता है हार्ट में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये देखिए, अगर ये जो ग्राफ है हमारी है, ये अगर आपके ईसीजी रिपोर्ट में अगर ये ग्राफ बहुत पास बन रही है इस तरह से बहुत सारे आगे आगे, तो क्या हो रहा है कि अगर ये पास बन रही है तो मतलब हार्ट आपका ज़्यादा जल्दी जल्दी बीट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। अगर आप दौड़ रहे हैं और उस समय ईसीजी करा रहे हैं दौड़ के आने के बाद, तो क्या करता है उस समय आपका हार्ट ज़्यादा पंप करता है, तो क्या होता है कि ईसीजी की ग्राफ बहुत ज़्यादा वो आती है ना, क्या आती है, पास आती है। ये थोड़ा है तो ये थोड़ा दूर सा हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जो हार्ट है वो थोड़ा धीरे धीरे आराम से रेस्ट में होके हार्ट बीट कर रहा है ना। तो ये क्या ईसीजी क्या होती है, हार्ट की एक प्रकार की जांच होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसमें 12 लीड्स का प्रयोग करके हम शरीर के विभिन्न भागों में हार्ट बीट चेक करते हैं। वही हमारी होती है ब्लड प्रेशर, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होती है? ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच का अंतर है। सिस्टोलिक मतलब कि जितने उमज के हमारा हार्ट क्या करता है पूरे शरीर में ब्लड फेंकता है, वो हमारी क्रिया क्या होती है, सिस्टोलिक होती है। हार्ट में आता है ब्लड और ब्लड जितने प्रेशर से ऊपर की ओर या मतलब पूरे शरीर में फेंकता है वो क्या होती है, सिस्टोलिक होती है। और पूरे शरीर से जितने प्रेशर में हमारे हार्ट के अंदर आता है वो हमारी क्या होती है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की क्रिया क्या होती है कि हार्ट में जो ब्लड रहता है उसको एकदम उमच के पूरे एकदम बाहर फेंक देता है पूरे शरीर में, वो क्या हो जाती है हमारी सिस्टोलिक की अभिक्रिया। और वही जो शरीर के विभिन्न भागों से लेके हार्ट में जिस प्रेशर से आता है वो हमारी क्या होती है, डायस्टोलिक प्रक्रिया होती है। देखिए, हमारी जो नॉर्मल बीपी होती है, हम बीपी की जांच कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सर बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो हमारी नॉर्मल जो बीपी रहती है वो 120 और 80 रहती है। ये 120 और 80 क्या है? 120 जो हार्ट है हमारी, हार्ट जब पंप करता है, वो जब पचकता है, तो जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड रहते हैं उसको पूरे शरीर के अंदर जिस प्रेशर से जाता है वो हमारी होती है हार्ट ये सिस्टोलिक अभिक्रिया। वो कितने प्रेशर से जाता है, जैसे हम लोग के शरीर में अगर नॉर्मल बीपी है तो उसमें क्या होता है कि जब हार्ट में ब्लड आता है और 120 की स्पीड में, मतलब 120 के स्पीड में उमज के पूरे शरीर में जाता है वो होता है, और जिस स्पीड में आता है मतलब सिस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होता है, जिस स्पीड में आता है पूरे शरीर से हार्ट में वो 80 की स्पीड में जाता, तो 120 के स्पीड में एकदम आगे आगे जाता है और फिर 80 की स्पीड में आ जाता है। इन दोनों का जो अंतर होता है वही हमारी क्या होती है, बीपी होती है, ब्लड प्रेशर। इन दोनों के जो बीच के अंतर होते हैं उसे हम मापते हैं बीपी के द्वारा। बीपी मापने की मशीन को हम कहते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर कहते हैं बीपी मापने की मशीन को। डॉक्टर आपके यहाँ पे ऐसा स्पेग्नोमैनोमीटर लगाते हैं और उससे पंप करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आला लगा के उसके आवाज़ को सुनते हैं, जो ब्लड की आवाज़ होती है। ठीक है, तो देखिए, जब आप आवाज़ को सुनते हैं तो एकदम 200 तक पूरा प्रेशर भरते हैं, पूरा ग्राफ पारा चढ़ जाता है ऊपर तक, और जब पारा धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, तो मान लीजिए कि आपका अगर नॉर्मल है, अगर स्वस्थ मनुष्य ऐसा होता है मतलब नॉर्मल है, तो क्या होगा कि जब 120 में आता है तो ये जो आला से आवाज़ सुनते हैं उसमें डक 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 आवाज़ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बजने लगती है। ठीक है, वो आवाज़ जहाँ तक आती है उसके बाद से जैसे 80 तक आ रही है, अगर 80 के बाद आवाज़ आते आते 80 के बाद बंद हो जाती है तो वो हमारी हो जाती है ब्लड प्रेशर बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर तब क्या हो जाएगी, डॉक्टर कह देगा कि 120/80। ठीक है, ये होती है हमारी जब से आवाज़ शुरू हुआ मतलब बजना, आवाज़ टक 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 टक, अगर आला लगा के ध्यान से सुनेंगे एकदम बीपी प्रेशर भर के, वो जो
स्पैग्नोमैनोमीटर से जो लगाते हैं आपके ऊपर, उसके बाद से जब ढक 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 की आवाज़ आती है उसके बाद से 80 तक आए तो वो हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मल बीपी। अगर हमारी हाई बीपी है तो क्या होगा कि अगर हम 200 तक प्रेशर भर रहे हैं, पारा चढ़ा रहे हैं, उसके बाद से क्या होगा 150 से ही बजना चालू हो जाएगा। जब हम आला लगाएंगे तो टक 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 करने लगेगा और उस तरह से 90 तक आता है, तो ये हमारी क्या होगी, हाई बीपी। देखिए अगर हम लोग के इस एज में हाई बीपी रहना जरूरी है, अगर हाई बीपी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग का शरीर ऐसे ही भारी थकान महसूस होता रहेगा, किसी भी काम करने के लिए आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो इतना तक तो जरूरी है कि थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, हाई बीपी होना चाहिए इस एज में, ठीक है। अगर हम बात करें कि लो बीपी कब होती है, लो बीपी अगर हम बात करें तो अगर इन इन सभी के रेंज में, जैसे कि 100 के रेंज में, 100/60 आ रही है तो ये हमारी लो बीपी होती है। लो बीपी में चक्कर उक्कर आने लगता है, बहुत सारी समस्या होने लगती है, ठीक है। इसको हम खान पान के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। अगर हाई बीपी है तो तेल मसाला वसाला खाना कम कर दीजिए, तो आपके धीरे धीरे लो नॉर्मल बीपी हो जाएगी। अगर आपकी लो बीपी है तो फल फूल खाइए, ये सब खाइए, तो क्या होगा कि नॉर्मल बीपी हो जाएगी, ठीक है। इसकी जांच हम किससे करते हैं, स्पैग्नोमैनोमीटर से या रक्तचापी से, ठीक है। तो इस तरह से हम ECG हार्ट की जांच है और ब्लड बीपी ब्लड की जांच है, इस तरह से हम जान सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।